फ्रेंड कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में। गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैच नंबर 25, जो कि यहाँ से यूएई T20 का खेला जाएगा वाइपर्स वर्सेस दुबई के बीच में। ऐसे में दोनों टीमों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11, खिलाड़ी क्या कुछ रिसेंट में करके आ रहे हैं, क्या कुछ ओवरऑल रिकॉर्ड रखते हैं, वीडियो में हम लोग फुल डिस्कस किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर नहीं हो तो आ सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज अगर लिंक वर्क ना करे तब आप Cricket2580 इतना भी लिख करके आ सकते हो, बाकी स्कैनर को स्कैन करके भी आ सकते हो। और आना तो सबसे पहले पिंड मैसेज आप लोग चेक कर लेना, 4 नवंबर 6 जून का यहाँ पे मैसेज होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना कि आप सही जगह पे आए हो कि नहीं आए हो, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल वगैरह क्रिएट किया हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगा मेरी गलत मतलब मेरी जनता किसी गलत चैनल पर जाए। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। फाइनली दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से वीडियो को खैर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बताता चलू, 2 फरवरी को 7:30 पे 7:30 बजे आप लोगों को अपने भारत टाइम अनुसार यह मुकाबला देखने को मिल जाएगा, जो कि दुबई के ग्राउंड पे खेला जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बताता चलूँ तो देखो, बैटिंग करने के लिए एक अच्छी सरफेस मान के चल सकते हो, बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे पिच से सपोर्ट रहने वाला है, बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ मदद नहीं रहती। लेकिन पिछले कुछ मुकाबले में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि बॉलर्स ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, तो फिलहाल तो हम लोग एक बैलेंस्ड सरफेस मान के चला जाएगा। बाकी जो टीम चेज करती है उसको यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अभी हम लोग वही रिकॉर्ड यहाँ से देखेंगे तो 114 मुकाबले खेले गए हैं, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 45 व चेज करने वाली टीम ने 68 मुकाबले को वोन किया है। अब पिछला मुकाबला तो यहाँ खैर फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने ही वोन किया था, लेकिन ओवरऑल जो कि रिकॉर्ड है वो चेज करने वाली टीम के फेवर में ज़्यादा बेहतर है। एक मुकाबला यहाँ पे टाई हुआ है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 170 जो कि बहुत अच्छा है T20 लिहाज से। SRH का 219 रन 2 विकेट के नुकसान पे हाईएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर लाहौर कलंदर का है 59 रन बना के पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न में नज़र डालते हैं, देखिएगा 150 के अंदर 41 बार, 150 से 170 के बीच में 35 बार, 170 से 190 के बीच में 26 बार, बाकी 190 से ज़्यादा यहाँ पे 12 बार स्कोरिंग हुई है। पिछला मुकाबला जो कि स्कोरिंग हुआ था 150 के अंदर, ओवरऑल भी 150 के अंदर ही सबसे ज़्यादा बार स्कोरिंग हुआ है, लेकिन जो कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 160 170 मान के चल सकते हो। तो जहां तक मुझको लगता है आप लोगों को 150 से 170 फर्स्ट बैट करने वाली टीम बना सकती है, बहुत हाई नहीं मान रहा हूं, मिडिल में ही मान के चल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा अगर बॉलर्स अच्छा करते हैं तो 150 से 170 आप लोगों को बनता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि बाउंड्री भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो होप जो चीज अभी मैंने बेसिक बताया आप लोग वो समझ गए होगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं VIP टीम की, क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है विथ रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ। तो रोहन मुस्तफ़ा के साथ एलेक्स हेल्स ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। रोहन मुस्तफ़ा एक हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, ज़्यादा इन लोगों के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। खैर पिछले मुकाबले में 31 का अच्छा स्कोर इन्होंने किया था। बाकी एलेक्स हेल्स पिछले 3 मुकाबले से बिल्कुल ही बंदा फ्लॉप है, लेकिन उससे पहले के स्टार्टिंग के 5 मुकाबले आप लोग देखोगे तो क्या पारी इन्होंने खेली हुई थी, काबिले तारीफ़। लेकिन उम्मीद रहेगी कि फिर से ये अपने प्राइम फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि 3 मुकाबले फ्लॉप हो चुके हैं। कॉलिन मुनरो देखिएगा, इनका भी पिछला 2 मुकाबला कोई बहुत अच्छा नहीं गया, उससे पहले 4 मुकाबले बहुत अच्छे गए थे। उम्मीद है कि ये भी टीम के कैप्टन है, अपने फॉर्म में आए, रंग वापस हैं। सैम बिलिंग्स एक अच्छे खिलाड़ी हैं और जनरली ये आप लोगों को 20s 30s में स्टार्टिंग लेते हुए दिख जाते हैं। अब खैर इनका थोड़ा सा बैटिंग क्रम को लेकर मसला होता है, कभी 4 नंबर पे खेलते हैं कभी 5 नंबर पे खेलते हैं, और अभी तो देखिए पिछले 2 मुकाबले से 4 नंबर पे खेल रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रह सकते हैं, प्लस विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज रहने वाला है। शरफन रदरफोर्ड पिछला 2 मुकाबला इनका भी खैर कोई बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन उससे पहले के मुकाबले में इन्होंने प्रभावित किया हुआ है, लेकिन बैटिंग क्रम नीचे रहता है, एज अ फिनिशर इनको टीम यूज़ करती है, फिर भी आप लोगों को एक अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। वहीं देखो बेनी होवेल की बात करते हैं, 34 रनों का स्कोर किया था, खैर बॉलिंग से इनको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन अच्छे खिलाड़ी पंट पिक साबित हो सकते हैं। अब देखो विनेंदु हथरंगा की वापसी हुई थी, आते ही 3 विकेट इन्होंने चटका दिया था, अपने रिपुटेशन का अंदाज़ा इन्होंने लगवा दिया था, क्या खिलाड़ी हैं ये। वहीं शेल्डन कोटरेल की बात करते हैं, वापसी इनकी भी हुई थी, खैर वापसी हुई विकेट नहीं निकाल पाए, उससे पहले कंटिन्यूसली इन्होंने विकेट निकाला हुआ था, तो उम्मीद है कि आज के मुकाबले में ये भी आप लोगों को एक बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। वहीं गुस हटिंगसन अभी तक कोई भी ऐसा मुकाबला ही नहीं हुआ है जिसमें कि ये बंदा विकेटलेस गया हो, तो एक अच्छे खिलाड़ी रहने वाले हैं। बाकी सिराज अहमद इनके बारे में भी ज़्यादा क्या बताया जाए, कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है, बाकी इस लेवल पे खेल रहे हैं तो आप लोग GL वगैरह में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। वहीं ल्यूक वुड एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं, हालिया फिलहाल आप लोगों ने इनका परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में भी देखा होगा, अच्छा परफॉर्मेंस ये जनरली करते हैं। इनके तरफ से ओपन डेथ बॉलर तो ओपनिंग में शेल्डन कोटरेल गुस हटिंगसन को मान सकते हो, डेथ में शेल्डन कोटरेल गुस हटिंगसन बेनी होवेल का नाम मान के चल सकते हो आप लोग। वहीं जो कि डेथ के बॉलर्स रहते हैं ये जनरली सॉरी यहाँ पे जो खिलाड़ी बेंच पे हैं यहाँ से आप देख लेना, डेथ के बॉलर्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
हाँ बॉलर्स जो कि इनके तरफ से अच्छी खासी ओवर कर सकते हैं। तो पिछले मुकाबले के बेस पे जो खिलाड़ी खेले थे उन्हीं में से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो विनेंदु हसरंगा, शेल्डन कोटरेल, गुस एटिंगसन, ल्यूक वुड और यहाँ से, हाँ चार खिलाड़ी तो 16 ओवर मान लेना, बाकी बेनी होवेल के एकाध ओवर कटेंगे। तो आप लोगों को रोहन मुस्तफ़ा फेंकते हुए दिख सकते हैं, बाकी सिराज अहमद भी फेंकते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, सिराज अहमद का ही मान लेना, रोहन मुस्तफ़ा के चांसेस कम है। बाकी जितने भी खिलाड़ी यहाँ से हैं सबका लिखा हुआ है, आप लोग ऐसा करो ना भाई स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आप लोग इसको बाद में आराम से भी समझ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दुबई टीम की, क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग इलेवन हो सकती है विथ रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ। तो इनके तरफ से देखो, इनके तरफ से भी चेंजेस हुआ था पहले देख लो, और जैक बॉल बाहर गए थे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, एक ही मुकाबले खेले तो 2 विकेट चटकाए थे, चिराग सूरी बाहर गए थे, रॉबिन उथप्पा अब इन अप हो रहे हैं, इन आउट होते रह रहे हैं, ये स्टार्टिंग के 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस था, हजरतुल्ला जदाई भी बाहर गए थे, भानुका राजापक्सा भी बाहर गए थे, बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। टीम इनकी स्टार्टिंग में सही थी, जो रूट का जब ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो खैर जो रूट अवेलेबल ही नहीं है। तो देखो पिछले मुकाबले के बेस पे जॉर्ज मुंशी के साथ आप लोगों को निरोशन डिकवाला ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, जहां मुंशी 57 का स्कोर किए थे, आई थिंक स्कॉटलैंड की ये खिलाड़ी हैं और ठीक ठाक उस लेवल पर ठीक ठाक खिलाड़ी हैं। बाकी यहाँ पर देखना पड़ेगा, इन लोगों पर भी ज़्यादा मुझको भरोसा नहीं आता है। डिकवाला श्रीलंका टीम के विकेट कीपर खिलाड़ी हैं, 37 रनों का पिछले मुकाबले में स्कोर करके आ रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करेंगे। वहीं दसून सन का वन डाउन खेले थे, देखिए 20-30 में खैर ये भी स्कोर कर देते हैं, कभी कदार पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर देते हैं, लेकिन बैटिंग क्रम अच्छा है। अगर सेम प्लेइंग इलेवन के साथ दुबई की टीम खेलती है तो ये आप लोगों को हो सकता है अगेन वन डाउन खेलें और 6ठे या 7वें विकल्प के तौर पर खेल सकते हैं एज अ बॉलर। बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, खैर बैटिंग से काफ़ी रहने वाले हैं, टीम के कैप्टन है, श्रीलंका टीम के कैप्टन है, यहाँ पर तो खैर पॉवेल कैप्टन है, 21 रनों का स्कोर पॉवेल करके आ रहे हैं, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले खैर 2 मुकाबले से ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो एज अ बैट्समैन फिलहाल देखा जाएगा क्या सीबीसी बनाने लायक हैं कि नहीं है। यूसुफ पठान ज़्यादा क्या बताऊं, वैसे हैं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी लेकिन बैटिंग क्रम को लेकर चिंता है, बहुत नीचे बैटिंग है, कभी आती है तो कभी नहीं आती है, और जब आती है तो गेंदे कम रहता है तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। वहीं सिकंदर रजा बॉलिंग करते हैं, 1 विकेट इनको मिला, वैसे हैं तो ये भी प्रॉपर ऑलराउंडर लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, जब अपनी ये जिम्बाब्वे टीम से खेलते हैं तब बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं चमिका करुणारत्ने को भी खैर कोई विकेट नहीं मिला था, अंदर ये भी आते हैं। अब देखो एडम जंपा, ये मतलब ये तो गजब की फॉर्म में, आते ही 6 विकेट निकाल गए पिछले 2 मुकाबले से, और बिग बैश लीग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। बाकी मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा, देखो अपने स्किल्स के बेस पे खेलना, अगर ये सेकंड बॉल करें तभी आप टीम में ट्राई करना, अदरवाइज फर्स्ट बॉल में हो सकता है मैं इनको ड्रॉप कर दूं। देखो आप ये मत देखना कि एक मैच हार गए, 2 मैच हार गए, तो लोग क्या करते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो अपने टीम को इधर उधर डिसबैलेंस कर देते हैं। आप अपने स्किल्स को बैक करो, क्योंकि जनरली जो विकेट मिलता है ना इस मतलब स्पिनर को, वो सेकेंड इनिंग में ही मिलता है। ये रूल हम लोगों ने बहुत बार राशिद खान पे अप्लाई किया है और बहुत अच्छा हम लोगों ने विनिंग भी की है, हो क्या मालूम फिर से ये 3 विकेट निकाल लें, लेकिन देखा जाएगा कि फर्स्ट बॉल कर रहे हैं कि सेकेंड बॉल कर रहे हैं। उसके बाद देखो फरीद क्लासन खैर विकेट नहीं निकाल पाए थे, आकिफ रजा को 2 विकेट मिला था, अच्छे बॉलर हैं, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी है, हजरत लुकमान ये भी मतलब अभी तक प्रभावित किए हुए हैं। अब इनके तरफ से ओपन डेथ बॉलर की बात की जाए तो फरीद क्लासन, हजरत लुकमान को मान सकते हो, डेथ में आकिफ रजा, हजरत लुकमान, चमिका करुणारत्ने, बाकी फिराद क्लासन भी आप लोगों को अपने नेशनल टीम से फेंकते हैं तो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। जो खिलाड़ी बेंच पे गए हैं उनका यहाँ से रिसेंट का स्कोर लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, रीड कर लेना। पिछले मुकाबले के बेस पे जो बॉलर्स अच्छी खासी ओवर डाल सकता है तो एडम जंपा, फरीद क्लासन, सिकंदर रजा और यहाँ से आप लोग हजरत लुकमान का नाम मान के चल सकते हो, बाकी आकिफ रजा और यहाँ से चमिका करुणारत्ने और पार्ट टाइम कभी कदार दसून सन का भी बॉलिंग डाल देते हैं। वैसे देखो पॉवेल भी बॉलिंग कर रहे थे उससे पहले, ये 6ठे विकल्प के तौर पे खेल रहे थे, लेकिन अभी इनके पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन खेल रहे हैं तो चांसेस कम लग रहा है पॉवेल का, बाकी देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। वीआईपी के ओवरऑल सारे खिलाड़ियों को रिकॉर्ड अगर आप यहाँ से रीड करना चाहो तो बिल्कुल रीड करके चल सकते हो। अब देखो रिसेंट में काफ़ी मुकाबले हो गए हैं तो रिसेंट स्कोर से अंदाज़ा लग रहा है, बाकी मेरा काम है ये बताना, तो आप लोग देख सकते हो। दुबई के भी ओवरऑल सारे खिलाड़ियों को रिकॉर्ड है तो आप इनके तरफ से भी देखना चाहो तो बिल्कुल देख के चल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ड्रीम इलेवन पे चल के आगे की बातें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद है कि पूरी वीडियो आप लोग देख कर आ रहे हो, मतलब फुल वीडियो वाच करके आओगे ना तभी जो चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, तो प्लीज़ फुल वीडियो आप लोग वाच करके आना। तो देखो बात करते हैं विकेट कीपर ऑप्शन से, तो फिलहाल तो मैंने सैम बिलिंग्स को लिया है, हो सकता है आप लोगों को 4 नंबर पे खेलते हुए दिख जाए, थोड़ा सा 5 पे भी जा सकते हैं, तो इनका ये दिक्कत रहता है, अदरवाइज अगर 4 पे पिछले 2 मुकाबले से खेल रहे हैं तो अगर 4 पे खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उथप्पा नहीं खेले थे, डिकवेला खेलेंगे तो ओपनिंग करेंगे, आप चाहो तो प्रेफर करके चल सकते हो। फिलहाल मेरी टीम में बिलिंग्स ही जगह बना रहे हैं।
बैटिंग सेक्शन से देखिए, रोमन पावल, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो टीम में मैंने ट्राई किया है। एलेक्स हेल्स पिछला 3 मुकाबला बहुत बुरा गया, कॉलिन मुनरो पिछला 2 मुकाबला बहुत बुरा गया, ठीक है। उससे पहले बहुत अच्छा इन दोनों ने ही परफॉर्मेंस दिया हुआ है। रोमन पावल टीम के कैप्टन है, 4 नंबर पर खेलेंगे, पार्ट टाइम बॉलिंग करके दे सकते। उससे पहले तो अच्छी खासी ये लगभग 2-2 ओवर हर मुकाबले में फेंक रहे थे, लेकिन अभी इनके पास इतने सारे बॉलर्स आ चुके हैं कि इनके ओवर, मतलब ये खुद ही कैप्टन है, खुद को ज़्यादा ओवर दे नहीं रहे हैं। बाकी रूट वगैरह खेलेंगे नहीं, मुंशी को चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा मुझको ट्रस्ट नहीं आ पाता है। रदरफोर्ड अगर फर्स्ट वीआईपी की टीम बैट करे और लगे आप लोगों को कि वीआईपी का फिर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने वाला है, तो ट्राई कर सकते हो कोई 2-3 बैट्समैन ड्रॉप करके इनको सीवीसी भी बना के देख सकते हो मिडिल ऑर्डर में, और यहाँ से कोई है नहीं। तो आते हैं हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो बिनेंदु हसरंगा, सिकंदर रजा, दसुन सन का, दसुन सन का आज के मुकाबले में मेरे ट्रम्प पिक रहने वाले हैं। अब देखो ये 4 नंबर पर तो बैटिंग करेंगे और एज अ बैट्समैन ही ये काफ़ी हैं, ऊपर से अगर बॉलिंग कर देते हैं तो और भी अच्छी चॉइस रहने वाली है। बाकी चांसेस नहीं लग रहा है बॉलिंग से, लेकिन अगर मान लो वन डाउन खेल रहे हैं तो वन डाउन बहुत अच्छा वाइट क्रिकेट में माना जाता है एक बैटिंग क्रम, तो इस वजह से इनको मैंने टीम में लिया है। हसरंगा राजा ये दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर वाला काम करने वाले हैं। टॉम करन को आप लोग चाहो तो प्रेफर कर सकते हो, वीआईपी की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो। रोहन मुस्तफ़ा का ऑप्शन है लेकिन ज़्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन चाहो तो ले सकते हो, पार्ट टाइम बॉलिंग दे सकते हैं। होवेल को भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग क्रम नीचे है, बॉलिंग से ओवर कट जाते हैं, तो इस वजह से फिलहाल मैं इनको सजेस्ट नहीं कर रहा। और देखो कोई बेस्ट में है नहीं, पठान वगैरह को वही बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है, चमिका करुणा रत्ने के ओवर कट सकते हैं। तो बॉलिंग से एडम जंपा, जिस तरह के इन्होंने पिछले 2 मुकाबले में परफॉर्मेंस किया है आप लोग देख सकते हो। और बाकी शेल्डन कोटरेल को टीम में मैंने ट्राई किया है, गुस हटिंगसन और ल्यूक वुड, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से एक बॉलर कम करके ना यहाँ पे टॉम कोरन को भी प्रेफर करके चल सकते हो, या फिर आप रोहन मुस्तफ़ा जो कि ओपनिंग आएंगे आप इनको भी ले सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए 4 बॉलर मैं लेकर चल ही रहा हूँ। बात करते हैं कैप्टन वाइज कैप्टन, कैप्टन देखो पॉवेल 4 नंबर पे खेलेंगे, बॉलिंग का आप देखो ज़्यादा सियोरिटी नहीं है कि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कैप्टन बना रहा हूँ मैं क्योंकि कंसिस्टेंसी है इनके अंदर हिटिंग की अच्छी खासी। एलेक्स हेल्स पिछला 3 मुकाबला बहुत बुरा गया है, लेकिन उससे पहले के 5 मुकाबले बहुत अच्छे गए हैं, तो इस वजह से वीसी ये डिज़र्व करते हैं। बाकी मुनरू का ऑप्शन आप चाहो तो बना सकते हो, हसरंगा को भी बना सकते हो, लेकिन बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, तो हो सकता है आप लोगों को बैट्समैन अच्छा खासा करते हुए दिख जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा बैट्समैन को प्रेफर कर रहा हूँ, और स्पेशली जो टीम चेज करेगी उनके बैट्समैन को प्रेफर करके चल सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए देख सकते हो आप लोग, रोमन पॉवेल टीम के कैप्टन है, वाइस कैप्टन एलेक्स हेल्स हैं, कुछ ये खिलाड़ी टीम में रहने वाले हैं। बाकी आफ्टर टूर्स क्या कुछ फाइनल टीम अपडेटेड टीम विद गाइडेंस होती है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, और लिंक वर्क ना करे तो Cricket2580 बस उतना लिखकर सर्च करके आना, और ज़्यादा आगे पीछे कुछ मत लगाना, या फिर आप लोग ये टेलीग्राम पे किसी को मैसेज सेंड करना तो फिर ये लिंक का भी काम करेगा, तो आप लिंक के थ्रू भी आ सकते हो। बाकी आना तो 4 नवंबर और 6 जून, एक बार ध्यान से देख लेना मेरे भाई ये मैसेज, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।